दोस्तों, मुंबई इंडियंस के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबला हारने के बाद फाइनल की रेस से बाहर हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स तो भड़क गए लखनऊ के कप्तान केएल राहुल। फिर केएल राहुल ने दिया ऐसा बयान जिसको सुनकर सबके होश उड़ गए हैं। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे आपको केएल राहुल का पूरा बयान, लेकिन इससे पहले सूर्य कुमार यादव और कैमरून ग्रीन में कौन है खतरनाक बल्लेबाज, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीती रात को लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2023 का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन का स्कोर खड़ा किया था। तो दोस्तों, 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी और 17वें ओवर में ही मात्र 101 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों, इस तरह मुंबई इंडियंस ने ये मुकाबला 81 रनों से जीतकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है, जहां पर उसका सामना गुजरात टाइटंस से होगा। दोस्तों, लखनऊ की इस हार के बाद में केएल राहुल का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। दोस्तों, राहुल ने कहा कि हमारी टीम चोटों से परेशान थी, पहले मैं चोटिल हो गया था और अब ऐन मौके पर क्विंटन डिकॉक भी चोटिल हो गए थे। दोस्तों, राहुल ने कहा कि आकाश मधवाल ने काफी शानदार गेंदबाजी की। दोस्तों, राहुल ने कहा कि गेम में हार और जीत तो लगी रहती है और हम अगली बार जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।